जैसा कि आप जानते हैं, परिवर्तन का दूसरा नाम चेयरमैन गोला। अगर सावन में कावर्तियों पर पुष्प वर्षा हुई है तो चेयरमैन साहब ने बारह वफात के जुलूस पर भी पुष्प वर्षा की है। वाटर कूलर अगर मंदिर में दिया है तो मस्जिद में भी वाटर कूलर दिया है। ऐसे कई कार्य परिवर्तन किया है और परिवर्तन करके दिखाया है, चाहे वो मेला क्षेत्र में हो, चाहे इस मंच को देख लीजिए। ये मंच पहले कैसा था और अब कैसा है। झूले देखिए, सारे झूले परिवर्तित हैं। अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बस इतना कहूंगा कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय साहब, आज के इस कुल हिंद मुशायरे में हमारे संचालक मेला प्रभारी मोहित गिरी जी, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर वेद प्रकाश अग्नोत्री जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीए खान जी जो गोला पब्लिक स्कूल हेड इंटर कॉलेज है उसके प्रबंधक हैं, और शिक्षा जगत में एक अलग पहचान उनकी है, ऐसे समाज सेवी बीए खान जी, विशिष्ट अतिथि जनाब यूनुस जी, एक दो यूनुस हैं, दोनों यूनुस भाईजान, और जनाब सरताज अली सरताज मंसूरी जी अध्यक्षता कर रहे, मधुकर सैदाई जी, उपस्थित समस्त सभासदगण, नगरवासी, आज इस कुल हिंद मुशायरे में जितने भी शायर हमारे बीच आए हैं, हम लोग उनकी हौसला अफजाई करें, उनका तहे दिल से आभार। गोला जैसी छोटी काशी एक छोटे से शहर में राष्ट्रीय स्तर के और विदेश तक में अपनी धाक जमाने वाले शायरों का आज गोला चैती मेला के इस मंच पे उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब इनकी हौसला अफजाई करें, और जो गोला की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक ये ऐतिहासिक चैती मेला, जहाँ कल बाबा श्याम खाटू का दरबार सजा था, कभी कब्बाली होती है तो कभी कुल हिंद मुशायरा होता है, कभी हमारे यहाँ कभी सम्मेलन होगा, कभी भोजपुरी गीत होंगे, कभी यहाँ कल ही श्याम खाटू के साथ सिख समाज के लिए शब्द गाए गए, शब्द कीर्तन हुआ। इसी मन से यहीं आज हम कुल हिंद मुशायरा करेंगे। ऐसे तमाम कार्यक्रम जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृत को बढ़ावा देती हैं, तहजीब हमारी जो गोला की है, गोला की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का काम आज का ये कुल हिंद मुशायरा करेगा। हम अब इसी के साथ आप और शायरों के बीच बाधा ना बनकर सीधे ये मंच सुपुर्द करते हैं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर वेद प्रकाश अग्नोत्री जी को कि वो कमान संभालें, और आपके और शायरों के बीच हम लोग बाधा ना बने। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।